मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं स्माइल से प्रभा आज आपके साथ लेटर टी के बारे में बात करूंगी। बच्चों, लेटर टी आता है लेटर एस के बाद, तो हम इस कैपिटल टी बनाते हैं इस तरीके से, ऐसे और ऐसे, और स्मॉल टी ऐसे और ऐसे। अब हम टी की पहचान करेंगे कि टी से कौन कौन से वर्ड्स बनते हैं। तो ये यहाँ आपको दिखाई दे रहा है टूथब्रश, यानी कि दांत साफ करने वाला ब्रश, ये होता है टी से टूथब्रश। इसी तरीके से ये आप पहचान गए होंगे, ये है टी फॉर टाई। ये आपको दिखाई दे रही है एक टेबल है, तो इसे हम बोलेंगे टी फॉर टेबल। यहाँ पर एक फोन है, टी फॉर टेलीफोन। इसी तरीके से ये आप पहचान गए होंगे टमाटर, टी फॉर टोमेटो। ये टी फॉर टेडी बियर, जो सॉफ्ट टॉयज़ होते हैं वो होता है ना टी फॉर टेडी बियर, वो टेडी बियर। ये आप जो सबसे पहले सीखते हो टी फॉर टाइगर, यानी कि बाघ, सारे बच्चे ज़्यादातर टी फॉर टाइगर को ही पहचानते हैं। और ये है पेड़, इसे हम बोलते हैं टी फॉर ट्री। ये आपका दांत है, इसे हम बोलते हैं टी फॉर टूथ, यानी कि एक दांत। और जब सारे दांतों की बात होती है तो हम बोलते हैं टीथ। ये आपको नल दिखाई दे रहा होगा, इसे हम बोलते हैं टी फॉर टैप, टैप मतलब नल। और ये 10 लिखा हुआ है, इसे हम बोलते हैं 10, टी फॉर 10। तो एक बार हम रिपीट करें, टी फॉर टूथब्रश, टी फॉर टाई, टी फॉर टेबल, टी फॉर टेलीफोन, टी फॉर टोमेटो, टी फॉर टेडी बियर, टी फॉर टाइगर, टी फॉर ट्री, टी फॉर टूथ, टी फॉर टैप, टी फॉर 10। अब आपको यहाँ पर कैपिटल टी और स्मॉल टी लिखने का अभ्यास करना है। और बनाना कैसे है, ऐसे 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 और ऐसे। आज जो वर्ड्स मैंने आपको बताए हैं टी फॉर, आप उन्हें एक बार उनका उच्चारण करेंगे, यानी उनको बोलना सीखेंगे और उनकी पहचान करेंगे, और मुझे आज की वर्कशीट करके ग्रुप पर भेजेंगे। थैंक यू।